पुण्य का कोई खाता था ही नहीं, केवल पाप, शराब पीना, मांस खाना, गलत काम करना। पर मरते समय उसने किसी को गाली दी हराम ज्यादा और मर गया। जब मर के गया यमदूत ले गए, सारा खंगाला किसका कोई पुण्य हो तो बताओ। बोले बहुत बड़ा पापी है, इसे तो नाली का कीड़ा बनाना होगा, और बड़ा पापी है सो नरक भेजेंगे। तभी दिखा कि अभी मरते मरते इसने एक पुण्य कर लिया है। यमराज ने कहा कौन सा? चंद्रगुप्त ने कहा महाराज इसके हिसाब में एक नाम दिखाई पड़ रहा है। कौन सा नाम? बोले मरते समय इसने राम बोला। तो यमराज जी ने कहा ध्यान से देखो कि राम बोला है कि क्या। बोले बोला तो नहीं है राम, पर इसने किसी को गाली दी है, हराम ज्यादा बोला है। तो हराम हराम आप लिखेंगे तो राम लिखना पड़ेगा, राम आएगा तो बस हटा दीजिए, हा हटा दीजिए, हराम से हा हटा दीजिए, क्या बचेगा? ओनली राम। बोले इन्होंने डायरेक्ट राम तो नहीं बोला, पर इनडायरेक्ट राम बोला, इसलिए अब राम बोला है तो एक राम बोला है इसने। अब बताइए कि इसे इस राम का पुण्य क्या दिया जाए। अच्छा यमराज जो है ना वो हिसाब किताब करने में बड़े पक्के हैं, वहां एक एक पुण्य का और एक एक पाप का हिसाब होता है, बिल्कुल पक्का वाला, ऐसा नहीं कच्चा। मस्त हुआ, यमराज बोले कि इन्होंने एक बार राम बोला है, इसका पुण्य क्या होना चाहिए? यमराज बोले मेरे को नहीं पता कि एक राम नाम का पुण्य क्या है। बोले चलो शंकर जी के पास चलते हैं, क्योंकि शंकर जी तो सदा राम राम जपते हैं। भोलेनाथ जी के पास गए, भोलेनाथ जी बताओ क्या बताएं। बोले कोई एक बार राम राम बोल ले, एक बार राम बोले और मर जाए, इसका पुण्य क्या है? शंकर जी बोले देखो मैं राम राम जपता तो हूं, पर राम का पुण्य क्या है कोई आइडिया नहीं, कोई अंदाज नहीं, एक नाम का पुण्य क्या है नहीं पता। अच्छा तो किससे पता लगेगा? बोले जिनका नाम है उन्हीं से पूछ लेते हैं ना। किनका नाम है भैया? बोले राम तो नारायण है, चलो भगवान श्रीमन नारायण के पास। अच्छा सुनो ब्रह्मा जी से और पूछ लेते हैं। तो शंकर जी भी चले, यमराज भी चले, और वो हराम ज्यादा बोलने वाला भी चला, तीनों चले। ब्रह्मा जी आप बताओ कि एक राम नाम कोई बोल के मर जाए उसका क्या फल है? ब्रह्मा जी बोले देखो मैं भी सदा राम राम ही जपता हूँ, नारायण नारायण ही जपता हूँ, कोई आइडिया नहीं है अपने को, जिनका ये नाम है उन्हीं से पता लगेगा। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, यमराज जी और वो हराम ज्यादा बोलने वाला व्यक्ति सब पहुंचे भगवान श्रीमन नारायण के पास। हाथ जोड़ के बोले हे प्रभु। भगवान ने कहा रे आज ब्रह्मा जी आप आए, शंकर जी भी आए, क्या हुआ? और यमराज जी आप भी संग हो, और ये आदमी कौन है? यमराज जी ने कहा महाराज ये मृत्यु लोक से एक आदमी आया है, हम लोग केस को सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, उलझ गए हैं, हम लोगों के पास कोई उत्तर नहीं है, तो संविधान निर्माता आप ही हैं, आप ही बताइए कि जो मरते समय एक बार राम का नाम बोलेगा उसका क्या करें, हम नरक भेजें कि स्वर्ग भेजें, जो आप आदेश करेंगे इसके साथ वही किया, हम अपने मन से कुछ करें और बाद में आप बोलें कि हमारा नाम लिया था और आपने उसके साथ ऐसा किया, आप बताइए क्या करना चाहिए, फिर हम अपने संविधान में सदा के लिए लिख लेंगे। भगवान ने कहा बात क्या है? बोले ये फलाना व्यक्ति है, कोई पुण्य नहीं किया, सारी जिंदगी इसने पाप किया, चोरी की, डाका डाला, शराब पिया, पराई स्त्रियों का संग किया, गायों को मारा, ब्राह्मणों को मारा, बच्चियों को मारा, जितने गंदे पाप सब कुछ किया, महापाप, शराब सब। पर मरते समय इसके मुंह से किसी ने कोई ये गाली दे रहा था हराम ज्यादा और ये मर गया, तो इसके मुंह से राम निकला है इनडायरेक्ट। आप बताइए कुछ राम का फल क्या दे दूं इसे, बाकी तो इसे नरक मिलेगा ही। वो आदमी तो थर थर कांप रहा था कि भगवान ना जाने क्या बोलेंगे भाई,
भगवान बहुत मुस्कुराए और मुस्कुराकर पूछा, यमराज जी आप इतने भोले हैं कैसे? प्रभु आपको नहीं पता कि 1 ग्राम का फल क्या है? नहीं पता प्रभु, पता होता तो हम यहां तक क्यों आते? भगवान बोले, ये बताओ आप सब कहां खड़े हैं? बोले, बैकुंठ में। किसके आगे? जगत के पालनहार के आगे। तो बोले, क्यों खड़े हैं? और कौन खड़ा है? बोले, ब्रह्मा भी खड़े हैं, विष्णु भी, शिव भी खड़े हैं, ब्रह्मा शिव खड़े हैं, यमराज जी भी खड़े हैं। बोले, क्यों खड़े हो? बोले, इसलिए खड़े हैं कि इस आदमी ने एक बार राम का नाम बोल दिया। अरे राम का नाम बोलने का यही तो पुण्य है कि वह मेरे समक्ष आकर खड़ा हो जाता है। सो खड़ा हो गया और उसके पीछे पीछे ब्रह्मा और शिव भी चलते हैं। सो देखो आ गए ना संग। तो एक नाम की ये महिमा, भगवान के एक नाम, वो भी श्रद्धा से नहीं, भूल से, भाव कुभाव, अनख आलसहू, नाम जपत मंगल दिशि दसहू। कोई भाव से, हम तो श्रद्धा से बोल रहे हैं राम राम। कोई दुष्ट आदमी श्रद्धा से नहीं, गलत भगवान को गाली। शिशुपाल कौन था? शिशुपाल कौन था? दुष्ट आदमी था। भगवान से कोई मोहब्बत थोड़ी करता था, प्यार थोड़ी करता था। जहां कन्हैया मिल जाए सब 2-4 गाली चिपका देता था। अरे तुम्हारी औकात क्या है ग्वाले, गाय चराने वाले, हमारे बगल में बैठो, हम तो राजा हैं। ऐसी इंसल्ट करता रहता था, भगवान को गालियां देता रहता था। चूंकि भले द्वेष करता था, भले घृणा करता था, पर घृणा करता किससे था? बोलो, घृणा करता किससे था? बोलो, भगवान से। तो भगवान से आप कुछ भी करें, प्यार करें या घृणा करें, बस भगवान से करें। यदि आप प्यार कर रहे हैं या घृणा कर रहे हैं और किसी भी प्रकार से भगवान से जुड़े हैं, तो बस वो आपकी भक्ति है। डायरेक्ट मानो, इनडायरेक्ट मानो, वो भक्ति। शिशुपाल को वही गति मिली जो बड़े बड़े साधु संतों को मिलने वाली थी। पूतना भगवान को जहर पिलाने आई कि नहीं? जहर पिलाया, अपने स्तनों भर के लाई और जहर पिलाया, उसकी सदगति हुई कि नहीं? कौन सा पुण्य किया था उसने? कौन सा यज्ञ तप जानती थी? आप लोग ये ना सोचा करें कि हम कलयुग के लोग हैं, हमें भगवान पता नहीं मिलेंगे कि नहीं, हमें तो बड़ी तपस्या करनी पड़ेगी, बड़ा ध्यान लगाना पड़ेगा तब भगवान मिलेंगे। ऐसा नहीं है मेरी माँ। आप लोग जो वृंदावन आई हो, आप लोग जो अपनी व्यस्ततम जीवन में जो लोग नहीं आए, भले घर में बैठे हैं परंतु कथा सुन रहे हैं, आप अपने व्यस्ततम जीवन से जरा सा भी समय निकालकर जब भगवान की कथाएं सुनते हैं और श्रद्धा से एक बार ही श्री कृष्ण कह देते हैं, एक बार ही श्री राम कह देते हैं, उससे ही कई जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। ये भगवान के नाम की महिमा है। केवल नाम, केवल नाम, हरे नाम, हरे नाम। कलयुग जोग न यज्ञ न ज्ञाना, एक आधार राम गुण गाना। केवल नाम, कुछ ना आवे हमसे, हम लोग नहीं जानते कि यज्ञ कैसे किया जाता है, हम लोग नहीं जानते कि जप कैसे किया जाता है, तप कैसे किया जाता है, हम लोग तो ज्ञानी भी नहीं। वेदों का ज्ञान किसे आता है बताइए? हमें तो नहीं आता, आपको आता? ना तो हम वेदों के ज्ञानी हैं, ना तो हम पुराणों के ज्ञानी हैं, ना हम कोई काम क्रोध को जीतने वाले महापुरुष हैं। हम तो तुच्छ आदमी हैं। काम सताता है, क्रोध सताता है, लोभ सताता है, हम में करोड़ों करोड़ बुराइयां भरी पड़ी हैं। अब बताइए, हम लोग तो साधनहीन हैं, अधम नीच पतित खल, जितनी उपाधि उपमा दें अपने को सब कम है।
ऐसे हैं दुष्ट आत्मा। वो तो पता नहीं कौन सी कृपा हुई मेरे श्याम सुंदर की कि उन्होंने कृपा करके हमें मनुष्य का चूल्हा दे दिया, मनुष्य का शरीर दे दिया, हमें बंदर बना दिया। होता तो हम क्या कहते, शिकायत किससे करते? नाली का कीड़ा बना दिया होता तो भी क्या कर लेते और शिकायत किससे करते? उनकी बड़ी कृपा है, मुझे मनुष्य का शरीर दे दिया, अब मेरा धर्म है। उन्होंने तो अपना काम कर लिया एक मनुष्य का चूल्हा देकर, अब हमारा धर्म है कि हम इस शरीर से उस परमात्मा को पालें जिसे पाने निकले थे और करोड़ों जन्म लग गए अभी तक मिले नहीं। सबसे मन हट जाए और केवल नाम में मन लग जाए, केवल श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण, केवल श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, केवल सीताराम सीताराम, जो तुम्हें अच्छा लगे, आपका जिसमें मन लग जाए सब ठीक है। कोई राम राम कहे तो भी ठीक है, कोई कृष्ण कृष्ण कहे तो भी ठीक है, कोई श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण कहे तो भी ठीक है, कोई ओम नमः शिवाय कहे तो भी ठीक है, कोई हरि शरणम कहे तो भी ठीक, कोई विष्णु हो विष्णु हो विष्णु हो कहे तो भी ठीक है। जो आपको अच्छा लगे वो एक नाम पकड़ लो और उस नाम से बहुत प्यार करो, उस नाम से बहुत प्यार कीजिए और इतना प्यार कीजिए कि उस नाम के बिना रहा ना जाए। बस जब ये नाम में आसक्ति हो जाएगी, जब ये नाम में मन लग जाएगा, फिर मैं कहता हूँ कि आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। मैंने संसार को बहुत करीब से देखा है, आपने भी देखा होगा, आपका भी तो अपना तजुर्बा है, आपका भी तो अपना अनुभव है, आप बहुत अनुभव से देखे होंगे और भी देखिएगा। मैं निवेदन करूंगा, देखिएगा, संसार शांत नहीं, संसार में शांति नहीं। आपके पास कुछ नहीं था तब भी आप अशांत थे कि कुछ हो जाए, कुछ हुआ तो भी आप अशांत थे, कुछ हो गया है ये और हो जाता है ना, ये और हो जाता, जब ये भी हो गया तब भी आप अशांत थे, ये हो गया ये और हो जाता, वो भी हो गया फिर भी आप अशांत हैं, ये हो गया वो और हो जाता, बस। और यही अशांति सारी जिंदगी हमें सताती है, यही कामनाओं की लहरें सदा जीवन भर चलती हैं और इन्हीं लहरों में एक दिन हम डूब जाते हैं, पता ही नहीं चलता कहाँ खो गए कहाँ चले गए, है ना। इसलिए तरक्की करना अच्छा है, पैसा कमाना अच्छा है, खूब कमाओ, पर उसमें उलझ मत जाना, है ना। शांति पैसों में नहीं है, शांति पत्नी में भी नहीं है। जिसकी एक शादी होती है, हमारे एक पहचान के सज्जन हैं, उन्होंने दो शादी कर ली, एक और सज्जन है उन्होंने तीन विवाह किए, एक सज्जन की तो दोनों पत्नी संग रहती हैं और एक सज्जन की तीन पत्नी है, तीनों संग रहती हैं। एक दिन हमने उनसे पूछा कि आपकी दो पत्नियां हैं, कई लोग कहा करते हैं कि देखो जी इनकी तो दो पत्नियां हैं, काश हमारी भी होती, तो हमने कहा चलो आप ये बताओ आपकी दो पत्नियां हैं, आप बताइए आपका अनुभव कैसा है, आप तो एक पत्नी वालों से ज्यादा सुखी होंगे क्योंकि आपकी तो दो हैं। बोले महाराज वो लोग बहुत अच्छे हैं जिनकी एक है, हम तो बड़े परेशान हैं, बड़ी चिंताएं हैं, बहुत तंग आ गए हैं जिंदगी से, अब सोचो कि जिनकी दो हैं एक हैं वो इतने परेशान हैं तो दो वाले तो डबल होंगे, आपको लगता है कि आनंद डबल होगा, आनंद डबल नहीं है, दुख डबल है, कष्ट डबल है, चिंताएं डबल है, तीन कर लिया तो तिबल